नमस्कार साथियों, आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है। और साथियों, हम अपनी विंटर गार्डन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये डेलिया की एक बार फिर से ये ग्रोथ की वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। तो एक बार पहले आप हमारी ये डेलिया की ग्रोथ देखो कि कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब इनमें क्या करना है। देखो कितना बढ़िया ग्रोथ हो रही है, हर एक का पत्ते से आप देख सकते हो कितने जबरदस्त इसके अंदर से ग्रोथ है। पत्तों का साइज देख सकते हो आप, कितना बड़ा बड़ा पत्ते हैं और कितने बढ़िया ग्रोथ हो रही है। और अभी कुछ कुछ डेलिया के अंदर बर्ड्स भी आना शुरू हो चुकी है, तकरीबन अब इनमें सभी में बर्ड्स आना शुरू हो जाएगी। लेकिन बर्ड्स भी आई तो बहुत ही मैच्योर आई, आप देख सकते हो कितनी मैच्योर बर्ड्स है। साथियों, आज का जो हमारा जो विषय है डेलिया का, वो है जब डेलिया इस प्रकार का आपका बड़ा हो जाए। तो हमने आपको बताया था कि पहले हमने जो छोटे लगा रखे थे इनको हमें निकाल देना है, और जो बड़े बड़े डंडे हैं वो हमें इनके अंदर लगाने हैं और उनके हमें अब इनको बांधना है। इससे क्या होगा कि आपका जो डेलिया है, लेकिन बांधने का तरीका हमने आपको वही बताया था कि सपोर्ट को बिल्कुल हल्का रखें ताकि प्लांट अपने ही बेस के ऊपर खड़ा रहे। इस प्रकार से आपको ये बांधना है साथियों। इसी प्रकार आपको इनको बांधना है साथियों, बिल्कुल हल्का हल्का। ये देखो, बिल्कुल भी प्लांट के ऊपर दबाव नहीं रखना है, बस केवल इस प्रकार हल्का हल्का आपको बांधना है कि ज्यादा इसको बिल्कुल इसके साथ दबाव में आपको कभी नहीं रखना है पौधे को। ऐसा ही हम अपने ये सारे डेलिया को बांध लेंगे इस प्रकार। देखो साथियों, इस प्रकार आपको ये बांध लेना है, और जो अभी छोटे हैं उनको हमें बाद में बांधना है, एकदम से आपको नहीं बांधना है। देखो, आपको इस प्रकार अपनी ये डेलिया को बांध लेना है। बांधने से आपको होता है क्या साथियों, कि आपका जो डेलिया है वो बिल्कुल सपोर्ट में रहेगा और बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, और आपकी जो कली है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अभी तक हमारा सारा डेलिया बहुत अच्छी ग्रोथ में चल रहा है, और आशा करता हूं कि आगे जो फूल भी है वो इसी प्रकार की ग्रोथ का जो फूल आए। कुछ एक डेलिया हैं जो साथियों जो हमारे जो बहुत ही कमजोर रह गए, ये दो प्लांट हमारे बहुत कमजोर रह गए, इसका कारण मैं आज आपको बताता हूं। इसका कारण है, देखो ये हमारे जो पौधे हैं, अब भी मैं आपको इसका देखो ये आप देख सकते हो साथियों, थोड़ा ये कंट्रक्शन को अवॉइड करना। आप देख सकते हो इसके अंदर ये जो रेड रेड स्पॉट के जो रेड स्पाइडर है, बहुत बार मैंने आपको बताया कि ये स्पाइडर जब तक आपके प्लांट के ऊपर रहेगा तब तक आपका प्लांट ग्रोथ बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे करके सारे प्लांट की सारी एनर्जी को चूसता रहता है। देखो ये सभी पूरे अभी तक ये ग्रो गया नहीं है, इन्हीं दो प्लांटों में ये विशेषकर ज्यादा लगा हुआ है, और मैंने बहुत बार इन्हें ठीक करने की कोशिश कर ली, लेकिन बार बार ये इसके ऊपर लग जाता है, पता नहीं क्या बात है। बहुत बार मैंने इसके अंदर दवाई डाली, बहुत कुछ डाली, और हमारे प्लांट सारे हेल्दी हैं, लेकिन इन्हीं दो प्लांट के ऊपर ये देखो इसके अंदर भी वही है, स्पाइडर का रोग है, देख रहे हो आप। ये देखो, ये प्लांट की धीरे धीरे एनर्जी को पूरा शक करता रहता साथियों।
इस प्रकार इसको आपको देखो देखो कितना भयंकर लगा हुआ। देखो साथियों आप एक बार नजदीक से देखो, देख रहे हो ये बार बार लगे जा रहा है और ये देखो सभी प्लांट के ऊपर पूरा लगा हुआ। देखो और मैंने आपको बताया था ये रोग बहुत ही ढीठ रोग होता है। ये देखो पूरी तरह से इसके पत्तों के ऊपर, मैं आपको नजदीक से दिखाता हूं, देख रहे हो आप पत्ते, ये सारे रोग के चपेट के पत्ते हैं। इसी के कारण से ये पूरे दो प्लांट मेरे ढंग से ये ग्रोथ नहीं हो पा रहे। ये रोग बहुत बार लग रहा है इसके अंदर। मैं इसको स्प्रे भी कर चुका हूं, पानी से भी धो चुका हूं, हाथों से भी हटा चुका हूं, फिर भी ये बार बार लगा जा रहा है। कुछ एक वैरायटी ऐसी होती है साथियों जिनके अंदर रोग सबसे ज्यादा अटैक करता है, ये उन्हीं दो, ये वैरायटी उन्हीं उसी में से ही है। इसको बहुत ही फूल तो बहुत सुंदर आता है, बनेगा ये भी, लेकिन थोड़ा सा समय लेगा। बाकी हमारे सभी प्लांटों के अंदर देखो जिनके अंदर रोग नहीं है, देखो किसी के अंदर भी रोग नहीं है, उनकी देखो ग्रोथ कितनी अच्छी अच्छी चल रही है। तो ये मैंने आपको डेलिया के अंदर एक विशेष बात बताई कि जब तक आपके प्लांट पे रोग रहेगा, देखो जिस जिस प्लांट के ऊपर रोग खत्म हो गया वो ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगा, और जिसको रोग है वो साथियों आपका ग्रोथ नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। चाहे आप जितनी मर्जी आप उसके अंदर जो खाद वगैरह कुछ भी ऐड कर लो, इस रोग को आपको बार बार इस तरह साफ करते रहना है। अब ये वो समय नहीं रहा कि अब ये ज्यादा समय ये रोग रहेगा, कुछ दिन ये 10 दिन आपको और परेशान और करेगा, उसके बाद 15 दिसंबर के बाद ये रोग खत्म हो जाएगा। तो आज 4 दिसंबर है साथियों, और 4 दिसंबर में मैं आपको अपने प्लांट की ये ग्रोथ दिखा रहा हूं। 15 दिसंबर तक मैं आपको दिखाऊंगा इनके अंदर कि कितनी बढ़िया इनके अंदर ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि अब इनको डेली चेक करूंगा मैं। केवल ये दो ही पौधे रोग के हैं जो इस प्रकार से ये सारे पौधे ग्रह बाकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दो पौधे रोग के हैं। अब मैं इनको विशेष रूप से ध्यान दूंगा, और आप चाहे इसके अंदर जब तक रोग रहेगा जितना मर्जी इसके अंदर खाद दे देना, ये प्लांट कभी नहीं उठेगा। पहले रोग का निवारण करना जरूरी है। अब मैं आपको अपने कुछ और डेलिया की ग्रोथ दिखाता हूं। देखो साथियों ये हमारी वही नर्सरी से लाए हुए डेलिया हैं, काफी बार इन्होंने फूल दिए हैं और अब भी लगातार फूल दिए जा रहे हैं, और इस प्रकार आपके लगातार फूल आते रहेंगे। ये देखो इसके अंदर ये लगातार ये फूल आपका चलता रहेगा, खत्म नहीं होता है, और हमने इसमें कोई भी खाद वगैरह ऐड नहीं किया। इधर देखो इसके अंदर अब ये दोबारा से फिर से एक बार ये फूल देकर खत्म हो गया था, दोबारा से फिर से के अंदर कलियां बननी शुरू हो चुकी हैं बहुत अच्छी अच्छी, और ये दोबारा से फिर से आपको ये ग्रोथ देंगे। तो इस तरह का आपकी ये जो नर्सरी से भी लगाए जो प्लांट आप लगा के लगाते हो तो उन्हें में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। मेरा कहने का मतलब कि आप इसमें ज्यादा खाद के ऊपर निर्भर ना रहे डेलिया के ऊपर, सबसे ज्यादा डेलिया की केयर करें, सबसे ज्यादा ये देखें कि उसके अंदर रोग कौन सा लग रहा है। जब तक आपके प्लांट पे रोग रहेगा साथियों कभी भी आपका प्लांट ऊपर नहीं उठ सकता। तो साथियों यही मैं आज आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता था कि डेलिया में जब तक आपके प्लांट के ऊपर डिजीज रहेगा, रोग रहेगा, तब तक आपका प्लांट उठ नहीं सकता। इसका मैंने आपको प्रत्यक्ष आपको वो दिखाया। बाकी हमारे प्लांट आपने देखे होंगे सभी बहुत हेल्दी हैं, और कुछ ही दिनों के बाद 15-20 दिनों के बाद कुछों में तो कलियां भी आ जाएंगी, लेकिन जो वो रोग वाले प्लांट है वो 15-20 दिन के बाद सही होंगे। बाकी हमारे प्लांट सभी हेल्दी हैं। तो साथियों अगर आपको ये डेलिया की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पर पहली बार नए आए हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की ढेरों जानकारियां मैं आपके सामने लाता रहता हूं। सबसे पहले मैं आपको रोग के बारे में बताता हूं, उसके बाद मैं प्लांट के बारे में बताता हूं। तो इसी के साथ साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।